Details emerging in the NIA ISIS railway clerk probe as per sources railway has filed a case against fraudulent bills produced by the ISIS operation working as a clerk, as per sources module, as VIPs, Hindu leaders, and religious places on their target. Javed Hussain is joining us for more details on this story. Javed, uh, uh, what more uh, details can you share with us regarding the probe which is underway? सेल ने अक्टूबर में आईएसआईएस मॉड्यूल के तीन लोगों को गिरफ्तार किया था जिसमें शहनवाज हुसैन रिजवान और अरसद वारसी जो अशरफ वारसी माफ़ कीजिएगा अशरफ वारसी उसमें मौजूद थे और ये इसमें शहनवाज हुसैन के ऊपर तीन लाख का इनाम था देश की केंद्रीय एजेंसी एन आई की तरफ से इसमें तीन और अभी वॉन्टेड हैं जो अभी तक दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो है एन भी इनकी तलाश कर रही है एन की एक जाँच में खुलासा हुआ है कि नॉर्दर्न रेलवे में काम करने वाले एक क्लर्क जो कि फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में वहां पर है वो फर्जी मेडिकल बिल बनाकर वो इन तीनों के जो आईएसआई आई से जुड़े हुए जो ये लोग हैं इनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा था एन आई ए की सूत्रों की माने तो अक्टूबर के बाद अक्टूबर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन तीनों को गिरफ्तार किया था उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल से ये जो पूरा मामला है ये गृह मंत्रालय की तरफ से ये जो पूरा मामला है ये एन आई ए को ट्रांसफ़र कर दिया गया था तो उसके बाद केंद्रीय एजेंसी एन आई ए इस पूरे मामले की जाँच कर रही थी एन आई ए के जो सोर्सेज हैं उनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से नॉर्दर्न रेलवे में काम करने वाले इस कलर की उनकी तलाश थी और जब पूछताछ के लिए इसे बुलाया गया हालांकि एक मामला जो है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भी दर्ज कराई गई है लेकिन उसमें रेलवे की तरफ से टेरर फंडिंग का एंगल नहीं दिया गया लेकिन यह बताया गया है कि उसमें फर्जी मेडिकल बिल के नाम पर कई पैसों कई पैसों का इसने घपला किया है लेकिन एनआईए के जांच में जो सामने आया क्योंकि काफ़ी समय से वो रडार पर था और दिल्ली से सटे नोएडा में वो कलर रह रहा है जो कलर जो रेलवे डिपार्टमेंट में वो जो काम करता है नॉर्दर्न रेलवे में और जो तीनों आ, लोग हैं जो सस्पेक्ट हैं आई के इनके अकाउंट के डिटेल से पता चला कि इनके अकाउंट में रेगुलर ये पैसे जमा हो रहा है उसके बाद अकाउंट को मैच किया गया तो पता चला कि नॉर्दर्न रेलवे के जो ये अकाउंट से जो पैसे हो रहा है ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो एक शख्स की तरफ से किया जा रहा है जिसका नाम सामने आया है फिलहाल वो अभी फरार चल रहा है लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने कर्नाटका और महाराष्ट्र के चौवालिस ठिकानों पर हाल ही के दिनों में उन्होंने रेड कंडक्ट किया था आई एस मॉड्यूल को लेकर जिसमें से महाराष्ट्र के थाने से पंद्रह लोगों को गिरफ्तार किया गया था इस पूरी गिरफ्तारी के बाद एन के सामने साकिब नाचिन का नाम सामने आया था जो कि तिरसठ साल का है और 1990 से वो देश की केंद्रीय जो सुरक्षा एजेंसी है देश की खुफिया एजेंसी के रडार पर है और सुप्रीम कोर्ट से 1990 के दरमियान ही खालिस्तानी आतंकियों को सपोर्ट करने के मामले में भी वो गिरफ्तार हो चुका है उसके बाद मुंबई में हुए धमाकों में भी उसका नाम सामने आया था वहाँ पर वो दस साल अपनी सज़ा मुकम्मल करने के बाद वो वहाँ से आ, आ, बाहर आ गया और फरार चल रहा है जो आ, बताया गया है कि आईएसआईएस मॉड्यूल का जो सरगना है वो तिरसठ साल का साकिब है लेकिन अब जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इन तीनों को गिरफ्तार किया है और अब ये केस केंद्रीय एजेंसी एन के पास है और आई मॉड्यूल को लेकर एक बहुत बड़ा ये मामला सामने आया जिसमें कि ये फंडिंग को लेकर मतलब इस टेरर एंगल पर यह फंडिंग किया जा रहा था और रेलवे को रेलवे को इसकी जानकारी तब हुई जब अकाउंट का मैच किया गया तब पता चला कि फर्जी बिल के आधार पर ये पैसे ट्रांसफर किया जा रहा है रेलवे को तब तक ये नहीं पता है कि ये पैसे जो है नॉर्दर्न रेलवे में काम करने वाला वो शख्स आखिर किसे भेज रहा है लेकिन एनआईए की जांच एजेंसी में जो शहनवाज अशरफ वारसी और जो बा, जो बाकी जो तीन आरोपी जो तीन लोग हैं इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद इनके तमाम जो इनसे जुड़े हुए तमाम एविडेंस जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स जो इनके पास गैडेट्स मिले इनके फ़ोन लैपटॉप इसके अलावा जो इनकी अकाउंट को डिटेल को जब सर्च किया गया एग्जामिन किया गया एजेंसी की तरफ से तो पता चला कि कुछ महीनों से लगातार इनके पास रेगुलर अमाउंट एम, ट्रांसफ़र किया जा रहा और जो ट्रांसफ़र करने वाला शख्स है वो एक ही है मतलब वो लगातार इन तीनों के अकाउंट में पैसे ट्रां ट्रांसफर कर रहा है तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आई एस आई एस मॉड्यूल के इन लोगों को दिल्ली दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया उसके बाद अब ये मामला एनआईए के पास है NIA, खालिस्तानी आई एस आई एस मॉड्यूल और इसके अलावा जो जो देश के जो दूसरे आतंकी संगठन जो लगातार देश को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं ये लगातार जो एनआईए की जो एजेंसी जो देश की वो लगातार इस पे काम कर रही है और आई एस आई एस मॉड्यूल के आ, एक्टिव होने के बाद एन आई ए पूरी तरीके से अपनी नजर बनाई हुई है तो जिस तरीके से मामला सामने आया है उसमें अब एन के साथ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी उस कलर की तलाश कर रही है क्योंकि ऐसे कई और ऐसे हैंडलर सकते हैं क्योंकि जी बिल्कुल जावेद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए